दोस्तों, आज हम उगाने वाले हैं कुछ इस तरह का खीरे का पौधा। तो सबसे पहले हम कुछ बोरियों को बीच से काट लेंगे और उन्हें स्टेपलर से पंच कर देंगे। उसके बाद मिट्टी में जैविक खाद और चावल की भूसी को मिक्स करके बोरियों में उन्हें भर देंगे और कैंची से उन बोरियों में छेद कर देंगे। फिर खीरे के पौधों को बोरियों में लगाकर पानी से उनकी सिंचाई कर देंगे और लगभग 7 दिनों के लिए उन्हें छोड़ देंगे। उसके बाद 7 दिन बाद हम बोरियों में बांस की फट्टी लगाकर उन्हें तार से बांध देंगे और कुछ इस तरह का मचान बनाकर तैयार कर देंगे। फिर 14 दिन बाद हम पौधों की जड़ में जैविक खाद डाल देंगे और 21 दिन बाद आप देखेंगे कि हमारे पौधों में फूल लग चुके हैं। उसके बाद 28 दिन बाद उन पौधों में छोटे छोटे खीरे लग चुके हैं और 35 दिन बाद आप देखेंगे कि अभी भी कुछ फूल हमारे पौधों पर बचे हुए हैं। फिर लगभग 45 दिन बाद आप देखेंगे कि हमारे पौधों में ढेर सारे खीरे लगकर तैयार हैं खाने के लिए।